नमस्कार दोस्तों, ये दिस आप सभी के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैंने आज के जो वीडियो होने वाला काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहा हूँ हर एक टीम के बारे में, कौन कैसे कर रहा है प्रैक्टिस टूर्नामेंट, इसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में बात करें। तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, सब्सक्राइब कीजिए इसी स्टूडियो चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अपना सबसे पहले बात करते हैं एफसी गोवा की ओर से जो न्यूज़ निकल गया है, एफसी गोवा की ओर से जो भी फोटोज वगैरह देखने को मिल रहा है। तो अपने इस टाइम पे अगर देखा जाए एफसी गोवा काफ़ी अच्छे से जो प्रैक्टिस कर रहा है और आगे जाके एफसी गोवा और भी मज़ेदार खेल दिखा सकता है। उसी के साथ साथ अगर बात करें जमशेदपुर एफसी के बारे में, भाई जमशेदपुर एफसी में भी कुछ ऐसा ही सीन है और बहुत ही अच्छे से जो प्रैक्टिस कर रहा है। तो फिर आगे जाके देखते हैं क्या जमशेदपुर एफसी अच्छा खेल दिखा सकता है या फिर नहीं। उसी के साथ साथ अगर बात करें इंडिया फुटबॉल टीम की ओर से कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा है, ऐसे में अगर देखा जाए इंडिया फुटबॉल टीम की जो नए किट आ गए, यानी कि नए ईयर पे नए किट आ गए, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर ऐसे में अगर देखा जाए कुछ इस तरह का जो नए जर्सी होने वाला है, यानी नए जर्सी है, तो काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी अच्छा जो देखने को मिल सकता है। तो फिर उसी के साथ साथ अगर बात करें नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की गुड न्यूज़ के बारे में, ऐसे में अगर देखा जाए नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का प्लेयर रोयलिन बोर्जेस एक काफ़ी अच्छा जो खेल दिखा रहा है इस साल, और ऐसे में अगर देखा जाए भाई इस टाइम पे टीम इंडिया के लिए खेलने वाला है, यानी कि भाई आगे जो भी मैच है टीम इंडिया की उसमें देखा जाएगा रोयलिन बोर्जेस को, या फिर भाई आगे किसी भी मैच में देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस टाइम पे अगर देखा जाए इंडिया टीम की जो भी स्क्वाड है उसमें रोयलिन बोर्जेस का भी नाम है। भाई ये काफ़ी गुड न्यूज़ है रोयलिन बोर्जेस के लिए और रोयलिन बोर्जेस की फैन के लिए, नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के लिए, नॉर्थ यूनाइटेड एफसी फैन के लिए। तो मैं उसी के साथ साथ एक छोटी सी बात भी आप लोगों को बोल देता हूँ कि नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के निको विलियम्स के बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि निको विलियम्स आने वाला है। तो भाई देखते हैं निको विलियम्स अगर आ जाते हैं तो वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करने वाले, लेकिन अभी तक कोई भी पक्का खबर यानी कि कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि निको विलियम्स आने वाला है, यानी कि भाई कॉन्फर्म न्यूज़ नहीं है। तो इसी कारण से मैंने वीडियो नहीं बनाया। ऐसे में अगर बात करें भाई इस टाइम पे निको विलियम्स की कोई भी वीडियो मैंने शूट नहीं किया, यानी कि नहीं बनाया, क्योंकि अभी तक मुझे कॉन्फर्म न्यूज़ नहीं मिला। जैसे ही कॉन्फर्म न्यूज़ मिल जाते हैं सबसे पहले आपको ETC स्टूडियो पर देखने को मिल सकता है। तो फिर आज के वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।